चोरी मामले में धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच करेगी सीबीआई। झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, कोयला चोरी मामले में धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच सीबीआई करेगी। झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ होगी जांच। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, मामला गंभीर, अधिकारियों की साठगांठ से चल रहा है गोरख धंधा। कोयला चोरी मामले में धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच करेगी। अब तो धनबाद पुलिस की संलिप्तता की बात हाईकोर्ट ने भी मान लिया है। कोयला चोरी मामले में धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच करेगी सीबीआई। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कोयला चोरी मामले में धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच करेगी सीबीआई। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ होगी जांच। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, मामला गंभीर, अधिकारियों की साठगांठ से चल रहा था गोरख धंधा। कोयला चोरी मामले में धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच करेगी सीबीआई। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार जो आरोप लग रहे थे धनबाद पुलिस पर कि कोयला चोरी थम नहीं रही है, कोयला चोरी करवाने के पीछे धनबाद पुलिस का हाथ है, अब झारखंड हाईकोर्ट ने भी माना है कि जो ये काला अपराध हो रहा है, काला कारोबार खेला जा रहा है, इसके पीछे धनबाद पुलिस का हाथ है, अधिकारियों की साठगांठ है। हाईकोर्ट ने भी मान लिया, अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। इधर धनबाद में कोयला चोरी मामले में धनबाद पुलिस की संलिप्तता के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर निशिकांत दुबे का पोस्टर सामने आया है। पिछले 5 साल से पुलिस के संरक्षण में धनबाद में चल रहे अवैध कोयला कारोबार का केस सीबीआई को चला गया है। न्यूज 11 भारत के अरूप चटर्जी, जिनको झारखंड सरकार ने जेल में बंद कर मारने की साजिश की थी, उनके रिट पिटीशन पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। अधिकारियों सावधान, अब गलत कार्य आपको जेल भेज सकता है। ये तमाम बातें निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखी हैं। तो आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ सालों से न्यूज 11 भारत कोयला चोरी के मामले को लेकर मुखर होता नजर आया। हमने एक मुहिम छेड़ी थी कि कोयला चोरों का पर्दाफाश करना, कोयला चोर के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, खास करके किन किन अधिकारियों का हाथ है, हम उन्हें सामने लाएंगे। जब हम सामने लाने की कोशिश कर रहे थे और लगातार अब भी कर रहे हैं, तो उस वक्त लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया गया था। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को अरेस्ट कर लिया गया था और जब जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने भी माना कि बिल्कुल अनैतिक तरीके से गिरफ्तारी हुई थी अरूप चटर्जी की। और अरूप चटर्जी के रिट पिटीशन पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति ने यह माना कि धनबाद में जो कोयला चोरी हो रही है उसमें अधिकारियों का भी साठगांठ है। तो लगातार कोयला चोरी की खबरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा था। हमने एक मुहिम छेड़ा था कि जो भी कोयला चोरी के पीछे हैं, चाहे अधिकारी हो या कोयला चोर हो, सबका पर्दाफाश करेंगे। उस वक्त भी हम पर चौथे स्तंभ पर हमला हुआ था। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को अरेस्ट किया गया था। उनके पीआईएल पर, उनके रिट पिटीशन पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और यह तय किया गया, यह माना गया है कि धनबाद में जो कोयला चोरी हो रही है उसमें धनबाद पुलिस के और अधिकारियों की साठगांठ है। अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय का रुख करते हैं। अजय, न्यूज 11 भारत की मुहिम को अब बल मिल रहा है, एक छोटी कामयाबी जरूर हाथ लगी है। हमने जो लगातार ये बात बताने की कोशिश की कि धनबाद में जो कोयला चोरी हो रही है उसके पीछे अधिकारियों का हाथ है, हम पहले भी कह रहे थे, उस वक्त भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ था, वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को अरेस्ट किया गया था, साजिश रची जा रही थी जेल में। निशिकांत दुबे ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात लिखा है कि अरूप चटर्जी को झारखंड सरकार द्वारा जेल में बंद कर मारने की साजिश रची जा रही थी और अरूप चटर्जी के आज रिट पिटीशन पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने भी माना कि कोयला चोरी के पीछे अधिकारियों की साठगांठ है। अब
पुलिस की संलिप्तता मामले में सीबीआई जांच करेगी, जानकारी दे और कितनी बड़ी सफलता है, खास करके अगर हम बात कर लें सच्चाई के लिए, न्यूज 11 भारत के लिए यह भी साझा करें। देखिए आयुष, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि धनबाद में कोयले जांच, कोयले की जो चोरी हो रही थी, चोरी सब छोटा है, जो कोयले की डकैती हो रही थी पिछले कई सालों से, उसकी जांच अब सीबीआई करेगी। आप यकीनी तौर पर विश्वास नहीं करेंगे कि एक आईपीएस धनबाद का एसएसपी होता है, उसकी प्रोन्नति हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है, डीआईजी बन जाता है, लेकिन उस चेयर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतना ज़्यादा प्यार कि नियम बदल दिए गए। कहा गया कि धनबाद जोन का जो डीआईजी होगा वही धनबाद का एसएसपी होगा। आप नीति नियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कायदे से नियमता एक व्यक्ति जब प्रमोशन पाता है तो उसे खुशी होती है और तत्काल वो अपना पद छोड़ देता है। लेकिन धनबाद के एसएसपी को पता नहीं वहाँ के चेयर से क्या मोहब्बत थी, और अब पूरा का पूरा मामला माननीय न्यायालय को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि जिस लड़ाई को न्यूज 11 लड़ रहा था लगभग 3 से 4 दफे 22-22 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई थी धनबाद के एसएसपी को, धनबाद की पुलिस को कहा गया था कि धनबाद में बड़े पैमाने पर कोयला चोरी हो रहा है, और रात 11 बजे के बाद जब पूरी दुनिया सोती थी धनबाद में सवेरा होता था और जो ट्रकों का काफिला चलता था, बिना नंबर की गाड़ियां, बिना उसमें कोई जीपीएस सिस्टम नहीं, जिसकी मर्जी, सिर्फ परमिशन होता था धनबाद के एसएसपी का। कई डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, चिल्ला चिराकर इस बातों को न्यूज में दिखाया था कि जो धनबाद में कोयला चोरी का रैकेट है, जो सिंडिकेट है, ऊपर से नीचे तक, ना सिर्फ एसएसपी, बल्कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे दर्शक समझदार हैं, लोग समझ रहे होंगे, नाम नहीं लेंगे, पद का नाम ले सकते हैं, डीएसपी थे ये तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं। अजय देखिए, डीएसपी एसएसपी से नीचे का मैं कह रहा हूं कि एसएसपी से ऊपर जी, वहां तक हिस्सेदारी जाती थी, और हिस्सेदारी में एक कहा जाता है कि बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी बरती जाती है, और वही हुआ, वही हो रहा था पूरे धनबाद जिले में। पूरा का पूरा कोयला जिसे मन, और ये कोयला कहाँ जाता था, ये कोयला जाता था पश्चिम बंगाल, ये कोयला जाता था बिहार, ये कोयला जाता था उड़ीसा, और बजाबता प्रति टन कोयले में कितनी कमीशन ली जानी है वह भी तय होता था, और कागज का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही जब पुराने जमाने में हम और आप गेहूं पिसवाने जाते थे आटा चक्की पर, और जो वजन करके जो मिलता था छोटा सा पुर्जी, उसी प्रकार का एक चिरकुट होता था, और वही चिरकुट लाइसेंस होता था ट्रकों की आवाजाही का, जिसके पास वो चिरकुट होता था धनबाद जिले का दरोगा, डीएसपी, इंस्पेक्टर, किसी कितनी औकात नहीं होती थी कि वो ट्रक को रोक ले। और जाहिर सी बात है सीबीआई जांच की बात, माननीय न्यायालय ने कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, और सीबीआई की अब जांच होगी, मतलब यह हुआ कि माननीय न्यायालय ने यह मान लिया है कि मौजूदा झारखंड सरकार के पास जो तंत्र है, जो पुलिसिया व्यवस्था है, उस पर विश्वास करना बेईमानी है। और जब सीबीआई जांच की शुरुआत होगी, जब एफआईआर लॉन्च होगा, तो किसके किसके गर्दन तक, किसके किसके गिरेबा तक सीबीआई की हाथ जाएगी कहना मुश्किल है। अजय, हम 12-18 महीना पीछे चलते हैं, पूरा तंग, अब से 12-18 महीने पीछे हम चलते हैं, पूरे झारखंड में एक बात का जिक्र हो रहा था उस वक्त, सबका ट्रांसफर हो रहा है, सबको प्रोन्नति मिल रही है, एक एसएसपी है जो वहीं के वहीं पैर जमा कर मानो अंगद हो गए, वहीं टिके हुए थे, ना जाने क्या ऐसी खूबी थी उस जगह की कि ना एसएसपी का ट्रांसफर हो रहा था और ना ही एसएसपी को प्रोन्नति मिल रही थी, या फिर हो सकता है एसएसपी साहब खुद ना चाह रहे हो, कुछ तो वजह रही होगी। बिल्कुल आयुष, उसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए झारखंड के जिलों का, अमूमन जो एसएसपी या फिर जिलों के एसपी का कार्यकाल है लगभग 13 महीने 14 महीने 18 महीने, लेकिन संजीव सिंह जो धनबाद के तत्कालीन एसएसपी थे, पता नहीं वो कौन सी अमर ज्योति उनके पास थी कि उनको हटाने की औकात किसी की नहीं थी। पूरा का पूरा तंत्र, एक बार मुझे याद है
कि गलती से आईपीएस के ट्रांसफर में उनका भी नोटिफिकेशन निकल गया। महज आधे घंटे के भीतर उस नोटिफिकेशन को विलोपित कर दिया गया और कहा गया कि संजीव सिंह धनबाद के एसएसपी बने रहेंगे। मतलब कि सरकार की कृपा थी उन पर, कई बड़े लोगों की कृपा थी उन पर, और बगैर कृपा इतनी बड़ी चीज़ें नहीं मिलती कि आपका प्रमोशन डीआईजी में हो जाता है। लेकिन नियम को शिथिल करके यह कहा जाता है कि धनबाद जोन का जो डीआईजी होगा वही वहाँ का एसएसपी ही होगा। मतलब कि कुकर्म करवाने के लिए पूरी छूट दी गई थी। मुझे लगता है कि जल्द ही सीबीआई के पास माननीय न्यायालय, बिल्कुल अजय, जो राज दफन हो गए कोयले के नीचे, जो राज बनारस की मंडियों में, दुर्गापुर के मंडियों में खप गए, अब सीबीआई जांच में अब धीरे धीरे वो राज निकल कर सामने आएंगे। किन किन अधिकारियों की संलिप्तता थी, कौन कौन से पुलिसकर्मी थे जो कोयला चोरी के पीछे शामिल थे, अब सबके नाम सामने आएंगे। और न्यूज 11 भारत की मुहिम को बल मिला है। आज झारखंड हाईकोर्ट ने भी माना है कि धनबाद में जो कोयला चोरी हो रही है उसके पीछे अधिकारियों की साठगांठ है। सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है। अब देखना यह है कि एसपी नपते हैं, एसएसपी नपते हैं, डीएसपी नपते हैं, दरोगा नपते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जब कोर्ट ने माना है अधिकारी नपेंगे जरूर। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड हाईकोर्ट ने भी माना है कि धनबाद में जो कोयला चोरी हो रही है उसमें अधिकारियों की साठगांठ है और अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, जिसे लेकर आज गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा पोस्ट करते हुए लिखा है कि न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को जेल में बंद कर मारने की साजिश थी। उन्हें के रिट पिटीशन पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने माना है कि पुलिस की संलिप्तता रही है, पर सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।